नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ। दोस्तों, आप सभी की सेवा में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कलौंजी के फायदे और कलौंजी से उपचार। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि कलौंजी मौत को छोड़कर हर मर्ज की दवा है। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि कलौंजी के क्या क्या फायदे हैं और कलौंजी से उपचार कैसे किया जा सकता है, या कलौंजी का सेवन किस तरह से करना है और कलौंजी किन किन रोगों में कैसे कैसे आपको फायदा पहुंचाती है। तो हेल्थ टिप्स आप सुनते हैं हमारा, इसके लिए शुक्रिया आप सभी का। दोस्तों, आइए देखते हैं विभिन्न रोगों में कलौंजी से उपचार कैसे करें। कलौंजी का उपयोग भारतीय व्यंजनों और मसालों तथा अनेक प्रकार के रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है। सबसे ज़्यादा कलौंजी का उपयोग यूनानी दवाओं को बनाने में किया जाता है। अनगिनत रोगों को ठीक करने वाला कलौंजी का पौधा सौंफ के पौधे से थोड़ा छोटा होता है और इसमें हल्के नीले और पीले फूल आते हैं। दोस्तों, इनका बीज जिसको हम कलौंजी बोलते हैं वो काले रंग के होते हैं। कलौंजी लगभग हर घर में मौजूद रहने वाली चीज है। ये जीवन से भरपूर गुणों वाली एक असरदार दवा है, लेकिन बहुत कम लोग ही इसके गुणों से वाकिफ होते हैं। दोस्तों, कलौंजी बहुत से रोगों में और बहुत तेज़ी से फायदा करती है। आज उनमें से हम यहाँ आपको कुछ रोगों का उपचार कलौंजी के द्वारा बता रहे हैं। कलौंजी का सेवन, सबसे पहले हम बता रहे हैं आप सभी को दोस्तों कि कलौंजी का सेवन कैसे करें। कलौंजी के बीजों का सेवन आप सीधे ही कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें एक छोटा चम्मच कलौंजी के बीजों को शहद के साथ मिलाकर भी सेवन कर सकते हैं। कलौंजी को आप पानी में उबालकर फिर छान लें और इस पानी को पिएं। ऐसे भी आप कलौंजी को ले सकते हैं। एक तरीका यह भी है कि आप कलौंजी को दूध में उबालें और जब दूध ठंडा हो जाए तब इसको छान कर पिएं। कलौंजी को आप मिक्सर में अच्छी तरह से ग्राइंड कर लें और पानी या दूध के साथ इसका चूर्ण सेवन कर सकते हैं। एक मॉडर्न तरीका ये भी है कि आप कलौंजी को ब्रेड, पनीर तथा किसी अन्य खाद्य पदार्थ पर छिड़क कर भी खा सकते हैं। दोस्तों, कलौंजी के फायदे इन तमाम रोगों में कलौंजी का सेवन कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, कलौंजी के फायदे में आगे हम देखते हैं कि आपको कौन सी बीमारी है तो कैसे यूज करना है कलौंजी को। नंबर वन, दोस्तों आप जली हुई कलौंजी को हेयर ऑयल में मिलाकर रोजाना नियमित रूप से सिर पर मालिश करें। इससे गंजापन दूर होता है और अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो नए बाल उगाते हैं और बाल झड़ने बंद हो जाते हैं। नंबर टू, कलौंजी को पीसकर सिरके में मिला के रात को सोने से पहले अपने चेहरे पर लगाएं और सुबह ठंडे पानी से चेहरे को धो लें। ऐसा करने से आपके चेहरे के मुहासे 7 दिनों में ही ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, नंबर थर्ड, कान की सूजन में या बहरापन में कलौंजी के तेल को अच्छे से कदकदा लें और ठंडा होने के बाद कान में डालने से कान की सूजन दूर हो जाती है और साथ ही इसमें कम सुनाई देना और बहरापन जैसे रोगों में भी फायदा होता है। दोस्तों, नंबर फोर, 10 ग्राम कलौंजी के बीज लें और इन्हें आप 3 छोटे चम्मच शहद के साथ मिला लें, या आप रोजाना रात को सोते समय थोड़े दिन तक नियमित रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आपके पेट के कीड़े नष्ट हो जाएंगे। नंबर फाइव, प्रसव पीड़ा में कलौंजी का काढ़ा बनाकर सेवन करने से प्रसव की पीड़ा में आराम मिलता है। दोस्तों, नंबर सिक्स, पुराने जुकाम और नज़ले को ठीक करने के लिए आप 1/2 कप पानी में 1/2 चम्मच कलौंजी का तेल एवं 1/4 चम्मच जैतून का तेल मिलाकर इतना उबाल लें कि पानी ख़त्म हो जाए और केवल तेल ही रह जाए। फिर इसके बाद आप इसे छानकर 2 बूंद नाक में डालें। ऐसा करने से आपका पुराने से पुराना जुकाम भी गायब हो जाता है। दोस्तों, नंबर सेवन, दाद, खाज और खुजली में कलौंजी के चूर्ण को नारियल के तेल में मिलाकर प्रभावित त्वचा पर, जी हाँ दोस्तों, प्रभावित त्वचा पर मालिश करने से चर्म रोगों में आराम मिलता है और कलौंजी इसे जड़ से खत्म कर देती है। जी हाँ दोस्तों, नंबर एट, आँखों में लाली हो या फिर मोतियाबिंद या आपकी आँखों में पानी आता हो, इसके अलावा आँखों की रोशनी कम हो या कोई सा भी आँखों के रोग में आप 1 कप गाजर का रस लीजिए
और लगभग आधा चम्मच कलौंजी का तेल। अब इसमें 2 चम्मच शहद मिलाकर दिन भर में कम से कम 2 बार सेवन करें। इससे आपकी आँखों के सभी नेत्र संबंधी रोग ठीक हो जाएंगे दोस्तों। नंबर 9, 1 कप गर्म पानी लें, उसमें 1/2 चम्मच कलौंजी का तेल डालकर रात को सोते समय पीने से स्नायुविक विकार व मानसिक टेंशन दूर होती है दोस्तों। नंबर 10, कलौंजी के बीजों को सेक लीजिए और इनको कपड़े में लपेटकर सूंघने से सर्दी में राहत मिलती है दोस्तों। या फिर कलौंजी का तेल और जैतून का तेल दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर 2-2 बूंद नाक में टपकाने से आपकी सर्दी ठीक हो जाती है दोस्तों। कलौंजी के तेल को 1/4 चम्मच की मात्रा में 1 कप दूध के साथ कुछ दिन तक प्रतिदिन पीने और रोगग्रस्त अंगों पर कलौंजी के तेल से मालिश करने से लकवा ठीक हो जाता है दोस्तों। पीसी हुई कलौंजी 1/2 चम्मच और इसमें 1 चम्मच शहद मिलाकर चाटने से आपका मलेरिया बुखार ठीक हो जाता है दोस्तों। कुछ लोगों का सोते समय रात को नींद में वीर्य अपने आप निकल जाता है, तो ऐसे लोगों को सेब के रस में 1/2 चम्मच कलौंजी का तेल मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करना चाहिए, उनको स्वप्न दोष की समस्या नहीं रह जाएगी दोस्तों। 1 कप पानी में 50 ग्राम के लगभग हरा ताज़ा पुदीना उबाल लें। अब इस पानी में 1/2 चम्मच कलौंजी का तेल मिलाकर सुबह खाली पेट एवं रात को सोते समय सेवन करें। इससे 21 दिनों में खून की कमी दूर होती है। रोगी को खाने में खट्टी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना चाहिए इस दरमियान दोस्तों। यदि आपको बहुत ज़्यादा और बार बार छींकें आती हैं तो आप कलौंजी के बीजों को पीसकर उनका काढ़ा बना लें और दिन में 15 से 20 बार रह रहकर इसको सूंघें, आपको फायदा होगा दोस्तों। कलौंजी की भस्म को बवासीर के मसों पर नियमित रूप से लगाने से बवासीर की बीमारी ठीक हो जाती है दोस्तों। किसी को चोट लग जाए या मोच आ जाने के कारण शरीर के उस भाग में सूजन आ गई हो तो उसे दूर करने के लिए आप कलौंजी को पानी में पीसकर सूजन वाली जगह पर लगाएं। इससे सूजन दूर हो जाएगी और दर्द में भी आराम मिलेगा। कलौंजी के बीजों को पीसकर हाथ पैरों पर लेप करने से आपके हाथ पैरों की सूजन दूर होती है। पथरी के रोगों में 250 ग्राम कलौंजी के बीजों को पीसकर 125 ग्राम शहद के साथ मिला लें और फिर इसमें आप 1/2 कप पानी और 1/2 चम्मच कलौंजी का तेल मिला लें। इसको आप रोज़ाना 2 बार खाली पेट इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। अगर आप ऐसा 21 दिन तक करते रहते हैं तो आपकी पथरी पेशाब के रास्ते गलकर बाहर निकल जाएगी। यदि किसी प्रसूता के स्तनों में दूध नहीं उतरता या बहुत कम मात्रा में दूध निकलता हो तो कलौंजी की लगभग 1 ग्राम की मात्रा उसको प्रतिदिन सुबह शाम दे सकते हैं। इससे प्रसूता स्त्री के स्तनों में दूध बनता है दोस्तों। किसी को बार बार या बहुत ज़्यादा हिचकियाँ आती हों तो 1 ग्राम पीसी हुई कलौंजी शहद के साथ मिलाकर चाटने से हिचकियानी बंद हो जाती है। इसके अलावा अगर आप कलौंजी की 0.5 से 1 ग्राम मात्रा मट्ठे के साथ रोज़ाना लेते हैं, आप अगर 3 बार या 4 बार दिन में, तो हिचकियाना बंद हो जाती है। एक और उपाय है इसका, कलौंजी का चूर्ण 5 ग्राम मक्खन के साथ रोज़ खाएँ। 4 से 6 दिन में हिचकी आने का रोग दूर हो जाएगा दोस्तों। तो देखा दोस्तों आप सभी ने कि एक कलौंजी हमारे लिए कितना लाभकारी साबित होती है। तो इसी प्रकार से अगली बार हम कुछ और नई औषधियों को लेकर के आप सभी के लिए आएंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।